बस्ती जिले की रुधौली विधानसभा की बसपा प्रत्याशी अशोक मिश्रा ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। साथ ही मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा की सारी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे आए दिन सड़कों पर दुर्घटना हो रही है। सरकार पूरी तरह विकास के मुद्दे पर फेल साबित हुई है। विकास के नाम पर जनता को सिर पर छला जा रहा है। अगर जनता बसपा को चुनेगी तो जनता को आदर्श विधानसभा मिलेगी और बसपा सरकार में विकास कार्य होगा। बसपा प्रत्याशी अशोक मिश्रा जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा सहयोग मिल रहा है और किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में है। जी मिश्रा जी, आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है? मेरा बेसिकली जो मेन रुधौली विधानसभा का मुद्दा है वो यह है कि यहाँ पे जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार सड़कों का हो, आप यहीं से देख लीजिए, खोलवा चौराहे तक का स्थिति यह है भानपुर से लेकर के कि आप नहीं चल सकते हैं रोड से। आप भानपुर से पिरेला की तरफ आप जाइए, रोडों का एकदम बुरी स्थिति है। जहां भी है आज ही रोड बन, अगर कहीं बना हुआ है तो उखड़ करके बाहर आ रहा है, क्योंकि गुणवत्ता नहीं है। आज किसी को जाना हो भानपुर में सामुदायिक जो हॉस्पिटल है, वहां की स्थिति यह है कि अगर कोई महिला हो तो हमको नहीं लगता है वो, उसको अगर बच्चा पैदा हो ना हो तो केवल 100 मीटर की दूरी है, लेकिन वहां भी रोड की स्थिति इतने गड्ढे हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह से विकास जो होना चाहिए था, एकदम से लूट मची हुई है यहाँ पे, और बाहर से आकर के लोग यहाँ एक व्यवसाय बना लिए हैं किसी न किसी स्वरूप में। मैं जो देखा अभी तक व्यवसाय के स्वरूप में रुधौली विधानसभा को चुना गया है, मैं इसलिए जा रहा हूँ, जनता के बीच कर रहा हूँ। मैं 5 साल एज ए ब्लॉक प्रमुख था, जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने यहाँ का विकास करने का प्रयास किया, जबकि वित्त विहीन रहा मैं। यहाँ के बीजेपी विधायक हैं और जो सड़कों की आप बात किए, जबकि सरकार की प्रमुख योजना थी गड्ढा मुक्त, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा, रोजगार। आज इस समय रोजगार के लिए इस क्षेत्र के जनता परेशान है या पलायन कर रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, रोजगार की स्थिति दयनीय है। आज आप प्रदेश में देख रहे हैं हर जगह, जहां भी कहीं छात्रों भी इलाहाबाद में जो घटना हुई, या यहाँ बस्ती जनपद में आप देखिए, रोजगार के मामले में जितना जो था वो भी जा रहा, लोग रोजगार छीनता जा रहा है। आज कोरोना के नाम पे तमाम शहरों से लोग पलायन करके जो आए थे फिर से दोबारा गए, वहां से फिर से वापस आ रहे हैं, तो रोजगार की स्थिति बद से बदतर है। हमको नहीं लग रहा है कि रोजगार किसी को मिल पा रहा है। आप बताइए कोई भर्ती हुआ हो इस बीच में जहां लोगों को रोजगार मिला हो, पूरे प्रदेश की स्थिति है और खास करके बस्ती जनपद का। हमारा जो रुधौली विधानसभा है यहाँ पे तो और बुरी स्थिति है। आज गन्ना का मूल्य लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो पिछले साल का था उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, अगर लाइन ऑर्डर की आप बात करें तो उस समय की स्थिति क्या थी, कहीं पे किसी तरह का कोई ऐसा स्थिति नहीं था जो आज है। और तमाम इस तरह की बात हो रही, लूटपाट घटनाएं बढ़ रही हैं। उस समय आप याद कीजिए कि उस समय लाइन ऑर्डर के सिचुएशन और जो सरकार की एक मंशा थी उस समय की, वो एकदम चुस्त दुरुस्त था। आज वो स्थिति नहीं है, तो ये 100% है कि लाइन ऑर्डर का सिचुएशन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सबसे बेहतर होगा। जी, ये अशोक मिश्रा जी थे बसपा प्रत्याशी रुधौली के, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार और विकास क्षेत्र में नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता पूरी समर्थन दे रही है 2022 में बसपा का फिर परचम रुधौली विधानसभा में लहराएगा। अमृतलाल, साधना न्यूज, बस्ती।